बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नाज़रीन, मैं हकीम खालिद महमूद नक्शबंदी मुजद्दी एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ और आप सबको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। नाज़रीन, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएँ ताकि आपको हर रोज़ नई आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। वइज़ा मरितु फ़ाहुवा यशफीन, जब भी मैं बीमार होता हूँ वही अल्लाह शिफा देता है। शिफा देने वाली अल्लाह की ज़ात है। दुआ खाने से पहले ये दुआ लाजमी पढ़ लिया करे, अल्लाह ताला फिर उस दुआ में शफा रख देते हैं। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है कद्दू दाना। कद्दू दाना एक कीड़ा है, ये छोटे छोटे सफ़ेद रंग के मैदा में पैदा होते हैं और खुराक जो आदमी खाता है जिसके पेट में ये कद्दू दाना हो वो उसकी सेहत बरकरार नहीं रहती, क्योंकि वो खुराक तो वो कीड़े जो है ना वो खा लेते हैं और अंदर ही अंदर मैदे का वो बेड़ा गर्क कर देते हैं और आदमी को तंदुरुस्त नहीं होने देते और मर्ज का पता भी नहीं चलता। तो ये कीड़ों को जब तक पेट से खराज इनका ना हो, ये ख़त्म ना हो, मर ना जाए, पेट में पखाना के रास्ते खारिज ना हो, उस वक़्त तक आदमी की सेहत जो है ना वो बहाल नहीं होती। कई दफ़ा ऐसा होता है कि इसकी तशखीस भी नहीं होती, वैसे वो आदमी कमज़ोर होता है तो मरीज़ जो है वो चले जाते हैं तबीबों के पास या डॉक्टरों के पास, तो वो सही तरीके से तशखीस नहीं कर पाते और वो मुख्तलिफ दवाएँ देते रहते हैं मैदे की, उसकी तरफ उसकी तवज्जो ही नहीं होती कि हम देखें कि क्या इसके पेट में कोई कीड़े वगैरह तो नहीं है। क्योंकि तो कीड़े तो दो तीन किस्म के कीड़े होते हैं, एक तो वो जैसे वो आम देखे आगे गंडोए जो होते हैं बरसात के मौसम में निकलते हैं तो खरातीन भी उसको कहा जाता है, एक तो इस किस्म का कीड़ा होता है वो लंबे होते हैं, तो एक ये कद्दू दाना किस्म के होते हैं जिस तरह के कद्दू का बीज होता है इससे मुशाबा होते हैं, वो बारीक होते हैं, बारीक बारीक छोटे छोटे। कई दफ़ा ऐसा होता है कि पखाना करने से जब वो पखाना आदमी करता है तो अगर उधर नज़र दड़ाएं तो फिर वो बारीक बारीक पखाने में वो कीड़े नज़र आते हैं तो खारिज होते हैं, लेकिन जब तक ये मुकम्मल तौर पर ख़त्म ना हो उस वक़्त तक जो है ना वो आदमी ठीक नहीं होता। तो इसके लिए मैं आज आपको नुस्खा बताने लगा हूँ कि ये नुस्खा आप बनाएं तो इंशाल्लाह ताला इससे आपको जो है ना ये जिनके पेट में कद्दू दाना है कीड़े वगैरह हैं वो इंशाल्लाह निकल जाएंगे। तो दो तीन चीज़ें हैं, सबसे पहले तो लेनी है रंग कली, कली जिसको मसनी आप देखेंगे ना तो ये पत्री की शक्ल में मिलती है, एक तोला ले लें और एक तोला आप काला दाना ले लें और एक छटांग आप मिश्री ले लें। तो इसका जो तरीकाकार है बनाने का, जो रंग कली है इसके छोटे छोटे जितने चावल होते हैं ना उस चावल के साइज के इसको काट लें, किसी भी कैंची से काट लें, बहुत नरम होती है ये कट जाती है, इसको काट लें जितने जितना बारीक चावल ना इस बारीक चावल के हिसाब से इसको काट कर दोबारा इसको आप जो है ना वो जब चावल बन जाए तो इसको दोबारा आप जो है ना वो इकट्ठा कर लें और काला दाना और मिश्री तीनों एक खरल में डाल दें। खरल में डालकर खूब इसको अच्छी तरह इसकी रगड़ाई करें, जब ये बिल्कुल मधूम हो जाए तो फिर इसको जो है ना आपने संभाल के रखनी है। तो सुबह के वक़्त आप हलवा वगैरह बना लें या गुड़ वाले मीठे चावल बना लें या सादा गुड़ ही दे दें, पहले मरीज़ को गुड़ खिलाएं, उसके थोड़ी देर बाद आधे घंटे बाद 15 मिनट बाद भी आप कर सकते हैं, फिर आपने वो जो खुराक है ना वो आपने देनी है तो ये आप एक माशा की खुराक दे दें तो इंशाल्लाह ताला जितने भी वो अंदर कद्दू दाने होंगे वो हलाक हो जाएंगे। और ये एक दो दिन इसको ऐसा करें कि खुराक दें, पहले मीठी चीज़ आपने देनी है ताकि वो जितने भी अंदर कद्दू दाने हैं वो एक जगह इकट्ठे हो जाएं, ऊपर से ही आप दवाई दें तो वो सब के सब जो है ना वो हलाक हो जाएंगे और बुजरिया पखाना वो सारे खारिज हो जाएंगे। और उसके बाद जो भी आदमी जिसके अंदर ये होंगे जब मुकम्मल तौर पर अखराज हो जाएगा और वो आदमी दिन ब दिन सेहत जो है ना वो उसकी बहाल होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि वो जो खुराक खाएगा वो उसके जिस्म को लगेगी और आदमी ऑटोमेटिकली जो है ना सेहतमंद होना शुरू हो जाएगा। इसलिए ये जो बीमारी है इसकी तशखीस सबसे पहले ज़रूरी है, ऐसा ना हो कि आप मैदे की अद्वियात इस्तेमाल कराते रहें लेकिन वो अंदर बरकरार रहें जिंदा रहें। तो उनको ये लाजमी गौर कर लें कि अगर कोई, कई लोग ऐसा होता है कि वो यानी कि पखाने वाले कोई ऐसी अद्वियात दे देते हैं कि जैसे पखाना नरम आता है, जलाब एक दो ले लेते हैं जिससे वो जलाब तो हो जाते हैं लेकिन वो कीड़े जो है ना बाहर खारिज नहीं होते, कीड़े तब भी खारिज होंगे जब अंदर मुकम्मल तौर पर हलाक हो जाएंगे, वरना एक आधा भी रह गया अंदर तो फिर वो उससे वो बढ़ते रहते हैं।
तो इसलिए ज़रूरी है कि इनको ये दवाएं दे ताकि वो मुकम्मल तौर पर कीड़े जो है ना वो हलाक हो जाएं और आदमी रूह भी सेहत हो जाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।